आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों देखो, हमारा जो चैप्टर चल रहा है ल्यूसी ग्रे वाला, तो बच्चों आपको याद है ये स्टोरी कल मैंने आपको क्या बताया, यानी इससे पहले की वीडियो में, है ना। जो लीशू होती है वो अपनी माँ को लेने के लिए निकल पड़ती है, ऐसे तूफान में, तूफान आ रहा होता है ना, लालटेन लेकर के। तो बच्चों देखो क्या होता है, क्या वो टाउन पहुँच पाती है कि नहीं, क्या होता है उसके साथ। तो चलो आज हम देखते हैं इसी चीज़ को। मीन वाइल यानी इसी बीच, मीन वाइल यानी इसी बीच, यानी जब ल्यूसी जो है वो माँ को लेने गई थी पहाड़ियों पे, तो वो भटक गई थी, कभी वो ऊपर चढ़ती कभी नीचे उतरती ऐसे करके। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, ल्यूसी की माँ रीच्ड, RECHED, रीच्ड होम यानी घर पहुंच गई, यानी इसी बीच ल्यूसी की माँ घर पहुंच गई। बोथ द पेरेंट्स सर्च्ड यानी SERCHED, सर्च्ड यानी ढूंढा, यानी दोनों ने, मम्मी पापा दोनों ने, पेरेंट्स ने ढूंढा फॉर देयर डियर चाइल्ड, अपनी प्यारी बच्ची को उन्होंने ढूंढा। बट लेकिन देयर वॉज नो साइट, लेकिन देयर वॉज बट देयर वॉज नो साइट और नो और साउंड ऑफ ल्यूसी, मतलब ल्यूसी की ना तो आवाज़ आ रही थी और ना ही वो दिखाई दे रही थी कहीं, है ना। इन द मॉर्निंग, लेकिन जब सुबह हुई, बच्चों रात बीत गई पूरी, है ना, ल्यूसी घर नहीं आई और पेरेंट्स परेशान थे। तो सुबह जा कर के, सुबह क्या हुआ, इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, इन द मॉर्निंग यानी सुबह, दे क्लाइम्ड अप अ हिल, और वो हिल पर गई और वहाँ देखा उन्होंने, चढ़े हिल पे। फ्रॉम देयर वहाँ से, दे कुड सी अ वुडन ब्रिज, दे यानी वे, कुड सी देख सकते थे, अ वुडन, वुडन यानी लकड़ी का, ब्रिज यानी क्या होता है बोलो, पुल, जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे लकड़ी का ब्रिज, यानी वहाँ पहाड़ी पे चढ़ के उन्होंने एक लकड़ी के पुल को देखा। सडनली अचानक से, द मदर सो मदर ने देखा द प्रिंट ऑफ ल्यूसीज स्मॉल फीट ऑन द स्नो, SNOW, स्नो, स्नो यानी बर्फ पर। तो सडनली अचानक से, द मदर सो मम्मी ने देखा द प्रिंट ऑफ ल्यूसीज स्मॉल फीट, यानी कि ल्यूसी की छोटे छोटे पैरों के निशान किस पे बन रहे थे, ऑन द स्नो, बर्फ पर, ठीक है। तो बर्फ पर ल्यूसी के छोटे छोटे निशान बने हुए देखे। दे फॉलोड द फुटप्रिंट्स, और दे फॉलोड और वो पीछे पीछे गई, द फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स यानी जो पैरों के निशान बन जाते हैं ना, ऐसे पंजों, पंजों के निशान बन जाते हैं। दे फॉलोड द फुटप्रिंट्स, तो वो पैरों के निशान के पीछे पीछे गई, टू द मिडिल ऑफ द ब्रिज, ब्रिज के बीच तक गई, है ना। एंड देन, और तब, देयर वर नो फुटप्रिंट्स, और वहाँ फिर फुटप्रिंट्स नहीं थे। तो बच्चों देखो क्या हुआ, वो बच्ची जो है गई, उसके पैरों के निशान थे, पुल तक गई और उसके बाद उसके फुटप्रिंट्स नहीं थे कहीं भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्ची कहाँ गायब हो गई, सोचो, है ना, मुझे तो रोंगटे खड़े हो गए ये पढ़ कर के। बच्ची, इतनी प्यारी बच्ची कहाँ गायब हो गई, है ना। देयर वर नो फुटप्रिंट्स, वहाँ कोई उसकी फुटप्रिंट्स नहीं थी। द पेरेंट्स अंडरस्टूड, और पेरेंट्स उसके समझ गए, दैट कि देयर डियर चाइल्ड, उनकी प्यारी बच्ची, मस्ट हैव फॉलन इन टू वाटर, जरूर पानी में गिर गई है। तो उसके पेरेंट्स समझ गए कि वो पुल जो है, पुल में से निकल करके और वो नीचे गिर गई है, या किसी भी तरह से वो पानी में चली गई है। दे वर वेरी सैड,
तो इस बात से बच्चों उनके पेरेंट्स बहुत दुखी हुए और दुखी तो होंगे ही, है ना। दे हैड लॉस्ट, वो खो चुके थे देयर अपनी डियर चाइल्ड, प्यारी बच्ची को फॉर एवर हमेशा के लिए। दे हैड लॉस्ट, वो खो चुके थे अपनी प्यारी बच्ची को हमेशा के लिए, यानी वो हमेशा के लिए अपनी प्यारी बच्ची को खो चुके थे। देखो बच्चों, बट लेकिन सम पीपल, कुछ लोग से कहते हैं दैट कि इवन टुडे, आज भी ल्यूसी इज़ द लिविंग चाइल्ड, आज भी ल्यूसी जो है एक जिंदा बच्ची है, यानी आज भी ल्यूसी जिंदी है। सी कैन बी सीन, उसको देखा जा सकता है वेरी ऑफन, अक्सर इन दैट लॉनली फॉरेस्ट, इस एकांत जंगल में आज भी उसको कभी कभी देखा जा सकता है। तो बच्चों ये तो बहुत ही, है ना, शॉकिंग स्टोरी है। ओके, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी और अच्छी भी लगी होगी, है ना। तो ठीक है बच्चों, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक्सरसाइज करेंगे। सो थैंक यू।